हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की तरफ से यहां पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि 25 मार्च 2023 को इसका जो है विज्ञापन जारी किया गया है राजनांदगांव जिले की वेबसाइट पे, या फिर यहां पर ई कोर्ट जो कि राजनांदगांव की वेबसाइट में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। इसी PDF के लास्ट में इसका फॉर्मेट भी दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसे भर के आपको स्पीड पोस्ट आवेदन करने होंगे। आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है 24 अप्रैल 2023 तक, ठीक है। इसमें जो पद है सहायक Grade 3 के पद है यहाँ पर, जो कि रेगुलर भर्ती है, एक संविदा प्रकार का भर्ती नहीं है, फुल टाइम यहाँ पर रेगुलर सरकारी नौकरी है। यहाँ पर सहायक Grade 3 जिसके लिए Level 4 का जॉब है 19,500 से 62,000 बेसिक रहेगा। इस प्रकार आपका जो शुरुआत में आपका जो है सैलरी रहेगा, वेतन आपको 25 से 30,000 के आसपास यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें आपको TA DA HRA वगैरह अदर अलाउंस भी आपको भत्ता जो है दिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो तृतीय श्रेणी का पद है संकेतक यहाँ पर। इसके लिए जो है योग्यता की बात किया जाए तो पद जो है सहायक Grade 3 का है, जिसके लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर न्यूनतम 45% अनारक्षित को और 40% आरक्षित वर्ग को उत्तीर्ण, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए स्नातक कंप्लीट, और कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए MS Word वगैरह ये सब, कंप्यूटर इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड हिंदी में 5,000 की डिप्रेशन प्रति आवर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है स्पीड। तो आप इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, योग्यता देख सकते हैं, या फिर इसमें आपको 1 साल का DCA प्रमाण पत्र या फिर PGDCA भी किए होंगे तो आप इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पर 1/4/2023 तक कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष, बाकी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को यहाँ पर 40 वर्ष तक यहाँ पर छूट दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 40 साल तक, और बाकी जो रिजर्व यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग के जो क्रिमिनलियर है उनको यहाँ पर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, वो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। छूट मिलेगा उसका यहाँ पर विवरण अच्छे से दिया गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके जो वेतन है यहाँ पर सबसे पहले 3 वर्ष तक इस प्रकार रहेगा, 70% पहले साल, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% के आपका जो बेसिक का रहेगा उसके आधार पर आपको वेतन आपको मिलने वाला है, उसके बाद यहाँ पर रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आवेदन करने का जो तरीका है 24 अप्रैल तक शाम 5 बजे तक लिफाफे में डाल के और पदनाम सहायक Grade 3 के डाल के इस पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको करने होंगे, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए आप, या फिर इसका वेबसाइट ये जो है districts.ecourts इस वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चयन प्रक्रिया जो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और कौशल परीक्षा होगा, ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग के लिए, हिंदी टाइपिंग के लिए। इसके लिए जो है फॉन्ट साइज 14, लाइन स्पेसिंग 1.5 और मार्जिन जो है ये जो दिया गया है इसी में होने वाला है, यूनिक कोड ये सब डिटेल्स दिया गया है। और जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा में पास होंगे उनका मेरिट जो है रहेगा, जितने पद हैं उसके 20 गुना यहाँ पर आपको आमंत्रित किया जाएगा। पदों की संख्या यहाँ पर कुल यहाँ पर 3 पद रिक्त हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर दिया गया है शुरुआत में, कुल पदों की संख्या यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो देख सकते हैं। बाकी इसमें आवेदन सब चीज़ डिटेल्स में बता दिया हूँ, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार से रहेगा, जो लास्ट में ये जो दिया गया है PDF, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। काफ़ी अच्छी भर्ती है रेगुलर प्रकार की, इसी प्रकार के जो न्यायालय में जो भी भर्ती रहता है वो सभी रेगुलर भर्ती रहती है, ठीक है, तो आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।